हेलो चैनल तुम्हारा भैया छोड़ने के लिए बॉडी भी तगड़ी लग रही है भैया आपकी दुआएं आप लोगों की। चलो ठीक है भैया भाई तू मैं भी आया। क्या हाल है भाई के? तबीयत खराब है, दवाई लेके आ रहा हूँ। हमारे राव साहब हैं, राव साहब ये तो बता रहे थे कुछ फायदा है यहाँ आने का, पैसे लूट गए मेरे सारे के सारे। देख रहे हो कैसी नियत से देख रहे हैं लोग केक को। अंकिता ला रही है मेरे लिए गिफ्ट। गौरव नेगी यूके 15 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या करो तुम, मतलब कितने का तेल डालना है? हदाल का पेतलोल, हदाल का पेतलोल। गाइस शुरुआत करते हैं मेरे ब्लॉग की, और मैं हूँ अभी घर पे। तो कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि मैं तो लास्ट टाइम दिल्ली था और मैं एकदम से घर कहाँ गया, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, और मैं जा रहा हूँ आज घर। लगभग 2 या 3 हफ्ते बाद मैं टोटल जा रहा हूँ घर, और मैं अभी इस वक्त हूँ नोएडा में, 62 के गोल चक्कर पे हूँ मैं, और मुझे मिलेगी वहाँ से गाड़ी। तो वहाँ से पार जाना है मेरे को, वहाँ से मिलेगी मुझे गाड़ी कोटद्वार के लिए, या तो मुझे जाना पड़ेगा मोहन नगर। तो मैं भी चलता हूँ, फिर बने रहना मेरे साथ, अब तक ले बाय। दोस्तों देखिए वो है 62 का गोल चक्कर, और मैं भी जा रहा हूँ ये फ्लाईओवर के ऊपर से रोड क्रॉस कर रहा हूँ, और मुझे मिलेगी इस साइड से बस, और अगर यहाँ से बस नहीं मिली मुझे तो फिर मुझे जाना पड़ेगा मोहन नगर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत खास दिन है, और इस वीडियो को पूरा देखना आपको पता चल जाएगा कि आज क्या खास दिन है। तब तक के लिए बाय। दोस्तों एक बार मैं आपको टाइम बता दूं कि टाइम कितना हो रहा है। टाइम हो रहा है अभी सुबह के बज रहे 2, और मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ रोड पे, क्योंकि अभी कोई गाड़ी मिली नहीं। तो बने रहिए मेरे साथ, और आपको दिखाता हूँ मैं कि गाड़ी मिलती है कि नहीं। तो गाइज एक बस तो आई है, पर देखते हैं कहाँ की बस है। तो ये बस थी हापुड़ की, और हमें जाना है मेरठ। तो मेरठ की बस है, हापुड़ की बस गई अभी, तो देखते हैं अभी कैसे मुझे मिल गए थे भैया, और ये अब मुझे छोड़ रहे हैं मोहन नगर पे, और इन्होंने मुझसे लिए थे 40 रुपये। और हाय कर दो एक बार, बाइक लगा नहीं रखा है गाइज, तो आवाज़ पता नहीं कैसे आ रही होगी, पर देखते हैं। तो गाइज भैया ने मेरे को छोड़ा, ये है ऋषभ शर्मा, ऋषभ है ना भाई? हाँ भैया, थैंक यू। ठीक है भैया, थैंक यू भैया छोड़ने के लिए। बॉडी भी तगड़ी लग रही है भैया आपकी, दुआएं आप लोगों की। चलो ठीक है भैया, ओके थैंक यू बाय। गाइज भैया ने छोड़ा मुझे मोहन नगर तक, और ये एक बस खड़ी है वहाँ पे मेरठ की, तो मैं जाता हूँ। तो वो रही मेरठ की बस, मेरठ। तो गाइस फाइनली मुझे मिल चुकी थी मेरठ की बस, जिसमें मैं बैठ चुका था, और फिर उसके बाद मैं पहुंचा मेरठ। और तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ मेरठ, और अभी बज रहे हैं सुबह के चार बज रहे अभी, और मैं निकला था नोएडा से लगभग 2 बजे। तो मुझे गाड़ी मिलते मिलते लगभग हो गया है, मैं पहुँचा यहाँ पर 4 बजे, और अब यहाँ से चलेगी कोटद्वार के लिए ठीक 5 बजे। तो मैं चलता हूँ चाय पीने के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा थकान सी लग रही है, तो चाय पी के फिर बैठते हैं गाड़ी में, और उसके बाद निकलेंगे कोटद्वार के लिए, वो भी 5 बजे। ये देखिए मेरठ का बस स्टैंड। तो चाय पीने के बाद बैठ चुका था मैं बस में, और उसके बाद बस निकली, और फिर मैं रास्तों का आनंद लेते हुए निकल चुका था बिजनौर की तरफ, और मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई, होप आपको अच्छी लग रही होगी। और ये देखिए पूरा कोहरा ही कोहरा आने लग गया, इतनी ठंड बढ़ गई है। तो देखते देखते हम पहुंच गए थे बिजनौर, और फिर बिजनौर से निकले हम कोटद्वार की ओर। और ये तो दोस्तों नजीबाबाद पार करने के बाद हम पहुंचे चीनी मिल, और चीनी मिल से थोड़ा ही आगे जाते हुए हमने देखा कि एक ई रिक्शा पलट चुका है, तो ई रिक्शे को उठाने के लिए काफ़ी लोग आ गए थे। फिर उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ के पहुँच चुके थे कोटद्वार पैरियल। तो फाइनली गाइज मैं पहुंच चुका हूं कोटद्वार, और कहते हैं ना भाई अपनी जगह आने के बाद अलग ही मज़ा आता है, तो
तो मतलब जो अलग ही सुकून मिला है ना कोटद्वार आने के बाद। देखिए मैं ठीक हूँ यहाँ पे रेड लाइट के पास, ये रेड लाइट, और देखता हूँ चिंटू आया था मुझे लेने के लिए। ठीक है बढ़िया। और कहा सामान लेना है? ठीक है, क्या सामान लेना है? तो अब हमको लेना है थोड़ा सामान और उसके बाद फिर हम लोग निकलते हैं घर की ओर। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं पूजा का सामान लेने के लिए, जो कि अभी पंडित जी इंतजार कर रहे हैं, गृह पुजवाने मुझे आज। वैसे ही मेरा सामान, तो सामान लेते हैं यहाँ से पूजा का सामान। तो चला ले, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं पूजा का सामान भैया के यहाँ से। हम लोगों ने ले लिया है सारा सामान जो भी हमने लेना था, अब कुछ रह नहीं गया। और पंडित जी भी काफ़ी देर से हमारा वेट कर रहे हैं, पूजा की तैयारी हो चुकी है, तो चलते हैं अब। और बस जो थोड़ा बहुत सामान रह गया था वो लेके अब हम निकल रहे हैं घर की ओर। तो बने रहना मेरे साथ, आप लोगों को दिखाऊंगा मैं सारा, और फिर उसके बाद शाम को पार्टी वगैरह भी है, तो आप बने रहना मेरे साथ। बाय बाय। तू मैं भी आया। हाँ ठीक ठाक, सब बढ़िया। हाँ वीडियो। तो हेलो गाइस, आज जैसे कि आपको पता है कि आज मेरा जन्मदिन है, तो मैंने आज पूजा रखवाई थी जिसे जिसमें ग्रह पुजवाते हैं। नवमं चेत् धात्री च नव दुर्गा श्री भगवते जगदननी अमाइष्ट कुलदेवे नमो नमः नमस्कारान्ते आसनार्ते। तो सभी दर्शक जो है गौरव नेगी UK15 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक ब्लॉग जरूर देखें आने वाले। तो पता चला आपको गाइस कि मैं कब आया कैसा है। तो फाइनली पूजा हो चुकी है और अब मैं हूँ घर पे, पंडित जी भी जा चुके हैं। तो अब आ रही है अंकिता, तो मैं जा रहा हूँ अंकिता को लेने के लिए, और फिर उसके बाद खाना वाना खा के हम करेंगे आराम। तो फिर शाम को मिलते हैं पार्टी में, तब तक ले बाय। थैंक यू अंकिता। गाइस अंकिता के लिए छोटी चेयर, अंकिता छोटे बच्चों के लिए छोटी चेयर। ये देखिए सुधांशु बस बोला आ चुका है। क्या हाल है भाई के? तबीयत खराब है, दवाई लेके आ रहा हूँ। है दवाई? तो वो ये भर्जी वाली दवाई है भाई, 30 रुपए की। चने के चलते हैं बाजार, हो गई बारिश बंद। तो गाइस ये मेरे घर के बाहर का व्यू, और ये आ रही है पीछे टंकी। तो गाइस हम लोग आ रखे हैं बर्थडे का केक लेने के लिए, और ये आ रखे हम दुर्गा ट्रेडर्स हैं। क्या करो तुम, कितने का भी है ये ले रहे हैं? ये है अंकिता का बर्थडे। बर्थडे भी नहीं, क्या ले ले तुम्हारे बर्थडे वाली? तुम्हारे लिए मुझे तो पहना ही थी। अंकि इधर देखो, तुम्हें एक दादी दिखाऊं, तुम्हें एक चीज दिखाऊं, बोलो देखोगे? पीछे देखो, और ये हमारे राव साहब आ चुके हैं, और ये तो सुबह से बैठे हैं, ये तो ये भाई तो बेसरम है भाई, बिल्कुल ही ना, तो सुबह से आ रहे हैं जब मैं आया भी नहीं था। और ये पहुँचे हैं अभी कोल्ड ड्रिंक लेके, ये सब इनकी इनकी तरफ से फुल पार्टी। ये पैसा है, ये देखो ये यूट्यूब का पैसा, देख रहे हो कैसी नियत से देख रहे हैं लोग केक को। चाची है भाई, चाची है।
ये देखिए हम उनका बना रहे हैं, हमारे सामने आज बर्थडे है गौरव सिंह का, और ये केक खिला रहे उन्हें, और एक और आज हमारे गौरव नेगी का बर्थडे है, गौरव नेगी का बर्थडे आज हमारा, आज हम गाने ये हमारे राव साहब हैं, राव साहब तो बता दो फाइनली पार्टी हो गई है ख़त्म। मेरे पुराने दोस्तों आए थे और हम लोगों ने बहुत मजे किए, केक वगैरह काटा, और अंकिता लारी के मेरे लिए गिफ्ट, तो अभी हम देखते हैं वहाँ सबके सामने खोल के सब्जी खाने की लाई है ये, तो इसमें क्या क्या अंकिता भाई हमारे जमाने में नहीं था ये, है ना गौरव की। तो फाइनली गाइस हम लोगों की पार्टी हो गई थी पूरी खत्म। तुम्हें गिफ्ट कैसा लगा पहले ये बताओ, अगर तुमने ये बोला ना कि अच्छा नहीं लगा, मैं जब बत्ती से दिख रही ना तुम्हारी ये तोड़ूंगी सारी, क्योंकि उसमें मेरी मेहनत है। हाँ रात के 2-3 बजे तक बनाया मैंने वो अपने अपने इन हाथों से। भाई गिफ्ट इतना प्यारा था ना भाई, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये जो दोगे, तो मैं तो सोचता शर्ट लेके आ जाओगे मेरे लिए कोई 100-200 भाई मैंने ये सोचा था डब्बा देख के। हाँ और जब मैं गिफ्ट बना रही थी ना तो मैं भी यही सोच रही थी काश मैं 100-200 वाली शर्ट दे देती, इतनी झंझट पालने से क्यों मम्मी, यही बोल रही थी ना मैं नहीं नहीं पर सच में ना गिफ्ट बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था, मम्मी लोगों ने भी बहुत तारीफ की, तुम्हारे सामने ही बोला जबकि बहुत सही है भाई, बहुत सही था गिफ्ट, मजा आ गया एकदम एकदम, एक नंबर भाई एक नंबर। और देखना ये गोरद्वार का मॉल है, विशाल मेगा मार्ट, मोटर नगर कितने का तेल डालना है, हदाल का पेतलोल। टी शर्ट ही उठा के लानी थी यार, कहाँ उसमें भी खर्चे किया मैंने कुछ फायदा है यहाँ आने का, पैसे लूट गए मेरे सारे के सारे, केक के पैसे भी मैंने दिए, गिफ्ट भी मैं लेके आई, मैंने फ्लावर का बुके भी बनाए और तेल भी हम ही डाल रहे हैं, बताओ ओके हो गए मैं हदाल लुपे चले गए मेरे ठीक ठाक। हाँ बस दिखते भी नहीं अब, बस इधर ही बोलना मनु भाई, बाय, चलो तब हम इसे बंद करते हैं ठीक है, बाय। इधर देखने इधर ये नया सोफा तो करे ब्लॉग यहीं पे। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं घर, सही से मस्त खा पी के हम लोग पहुंच गए अपने घर, तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करें। तो गाइस होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरी यूट्यूब चैनल गौरव नेगी ब्लॉग UK15 को, और आप कुछ कहना चाहोगे? बाय, बस हैप्पी बर्थडे टू मी, बट लाइक एंड सब्सक्राइब उन्हें बोलो ना, नहीं बोला है क्या? तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, तब तक के लिए बाय।